कमेंट आ रहा था कि ये आपके हस्बैंड बार बार ससुराली आते हैं, रह जाते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने और सुबह मैं उठ चुका हूँ और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूँ कि और कुछ दिन बचा हुआ है बहुत कुछ के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। और फाइनली लगता है कि आज मम्मी भी यहाँ जाएंगी। और चलिए गाइज आप लोगों को दिखा देते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। बना तो कुछ नहीं है, बस ब्रेकफास्ट में क्या हम लोग कर रहे हैं, और चाय बना है और उसी के साथ खाएंगे हम। चल दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे है ब्रेड और ये है चाय। तो आज मैं खाने वाला हूँ चाय और ब्रेड, क्योंकि चाय ब्रेड जो है ना कुछ नहीं होता है, तो ये खाने पे थोड़ा भूख मिट जाता है। और उसके बाद मैं निकलूँगा स्कूल में। तो ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये न्यू फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वालिटी। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं, मम्मी भी पहले क्या करती थी कि नॉर्मल क्रीम लगा लेती थी और फिर उनका जो है फेस डल हो जाता था। पर अब आप लोग देख सकते हैं कि उनका कितना ज्यादा चमक है पूरे चेहरे पे, वो किसके बदौलत हुआ है। भाभी ने एक दिन देखा उनको क्रीम लगाते तो बोली कि आपके स्क्रीन तो पूरा मतलब खराब हो रहा है मम्मी। तो फिर मम्मी बोली तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा क्योंकि अब वही यूज करती है मम्मी, तो क्योर स्किन का वो प्रोडक्ट था। उन्होंने बताया कि इसको कैसे यूज करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में चलते जा रहा था। तब बहुत ही ज्यादा आसानी से भाभी ने एक्सप्लेन किया। फिर आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट को जब भी आपको ऑर्डर करना है तो ये ऐसे ऑर्डर नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगा कि ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका नाम है क्योर स्किन का ऐप। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आपको स्किन कैसा चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए या जो भी, मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप लोग कर लीजिए। और आपके पूरे फेस को वो लोग स्कैन करेंगे, उसके बाद जो है वो किट तैयार होगा और उसके बाद आपको ये इतना ज्यादा मतलब अच्छा है ना कि आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। डर्मेटोलॉजी हर 20 दिन के बाद से रेगुलर चेकअप भी करेंगे और आपसे फॉलो अप लेंगे कि हाँ आपका स्किन जो है वो ठीक है कि नहीं, और आपका पूरा का पूरा स्किन का ध्यान जो है आप लोग भूल जाएंगे, वो लोग रखेंगे। और ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा आप लोग ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर क्लिक कीजिए और आप लोग को कुछ ऑफ भी मिलेगा। तो चलिए गाइज इसको कैसे यूज करते हैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट आया था और क्योर स्किन का है, विजिबल रिजल्ट देगा जो कि बहुत इफेक्टिव होगा स्किन के लिए। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर। इस किट में दिया हुआ है क्योर स्किन का फेस वॉश, इसमें दिया हुआ है सन जेल जो कि आज ये नॉर्मल जो क्रीम की तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पे, ताकि आप लोगों को मॉइस्चर की तरह यूज करें, कोई भी खराबी ना हो। तो गाइज ये है आपको क्योर स्किन का विटामिन सी जेल, जो कि आपको मम्मी जब स्कैन की थी थोड़ा पिंपल्स के जैसे एक्ने आ गया था। तो अभी लगाने जा रहे हैं क्योर स्किन का ये फेस वॉश। तो अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इसके बाद क्या है। ये है मॉइस्चर क्रीम जो कि आप फेस वॉश के बाद से आप लगा सकते हैं। इसको धूप में जाने से पहले आप यूज कर सकती हैं। क्योर स्किन का सन जेल धूप में जाने से पहले ये लग जाएगा, ये चेहरे पे जहाँ जहाँ पिंपल्स या एक्ने हो गया था तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं इसको जैसे यहाँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। तो गाइज ये क्योर स्किन का किट जो है वो आपको 2 महीना के लिए मिला हुआ है। 2 महीने तक आप लोग इजीली जो है डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं और आपको इसमें मिल सके, ये आपको मिलेगा 1499 रुपये में। अगर हमारा कोड आप लोग यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट 100 रुपीज ऑफ मिलेगा, जो कि हमारा कोड है Prince100, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको डायरेक्ट 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके कांटेक्ट कीजिए और आप जल्दी से लेके आइए अपने घर।
क्योर स्किन का प्रोडक्ट, और आप लोग भी अपने स्किन से रिलेटेड सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। चलिए, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मम्मी का याद आ रहा है। वैसे तो बना लेते हैं हम मैगी, बस सुबह सुबह नींद नहीं खाना चाहिए मैगी, तो ब्रेड दूध ही अच्छा लग रहा है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ और मैं आज ये वाला साड़ी पहनी हूँ जो कि कुछ इस कलर का है। कैसा लग रहा है मेरा साड़ी, ये काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में जाकर चाय वगैरह बनाना है तो बनाऊँगी, गर्म पानी भी करना है। तो अब मैं हो चुका है और नाश्ता उसके बाद बन गया, और फिर उसके बाद मैं जल्दी से नाश्ता भी करूँगी क्योंकि अब नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। तो मैं दिखाती हूँ नाश्ता में क्या क्या बना है, उसके बाद मैं आप लोग से, और मुझे आज आप लोगों से कुछ बातें भी करना है जो कि बहुत देर से कमेंट आ रहे थे, तो उसका मैं जवाब अभी दूँगी। तब तक मैं, आप लोग बने रहिए और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और कुछ ही मेरा ऐसा लुक है जो कि अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ, काफ़ी लेट भी हो गया था और बहुत सारे आज कपड़े भी हो गए थे धोने के लिए, तो मैं वो धोई हूँ। और क्योंकि शादी में आने के बाद से ना काफ़ी कपड़े भी हो जाते हैं, तो सब सोची, और फिर मुझे कुछ दिन के लिए मतलब कहीं जाना भी है बाहर। तो आप लोग देखिए और फिर बने रहिए, और ये मेरा आज का लुक है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि मम्मी आ चुकी हैं, थोड़े देर में स्टेशन पहुंच जाएंगी और उसके बाद से मैं रिसीव करके उनको लेते आऊँगा। तो मैं अभी स्कूल गया था, स्कूल से आ गया हूं और फटाफट जो है आप लोगों के लिए मस्त वीडियो एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये गाइस अभी मैं किचन में आ चुकी हूं और फिर यहाँ दूध गर्म कर रहे हैं, चाय थोड़ा बनाऊँगी क्योंकि चाय, यहाँ आने के बाद मुझे आदत हो गया चाय पीने का क्योंकि यहाँ सभी लोग चाय पीते हैं मेरी दो बहन को छोड़कर। तो मैं सोची थी कि चाय जल्दी से जल्दी बना दूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड है ना, तो पीने का मन करते हैं। बाकी तो अब मैं चल रही, इधर गर्म पानी करना है जो कि मम्मी को देना है, गर्म पानी करके अब मैं। तो गाइस यहाँ हमारा चाय बनकर रेडी हो गया है और फिर अब जल्द से जल्द करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं अब ट्रॉली अपना खोल चुकी हूँ क्योंकि शादी से आने के बाद इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना वॉश करने के लिए, तो मैं सोची कि चलो यहाँ आई हूँ तो वॉश भी कर दूँगी क्योंकि काफ़ी कपड़े हो चुके हैं, तो सब उनको धोना है। तो आज चलती हूँ, सब धो दूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद मुझे फिर कहीं और जाना है, तो कपड़े अगर साफ सुथरे रहते तो अच्छा भी लगता है पहनने में। तो आप लोग देखिए और बने रहिए। तो गाइज मुझे टोटल इतनी साड़ियाँ हैं तो मुझे अभी वॉश करना है क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं सोची कि यहीं से वॉश भी कर लेंगे, फिर आयरन वगैरह भी करवा कर उसके बाद ले जाएंगे वहाँ, ताकि इजी रहेगा। तो गाइस अब मेरी बहन यहाँ क्लास जा रही है और अभी आएगी 4 बजे, और बाकी एक बहन यहाँ किचन में है तो कुछ सर्व कर रही है, बना रही है और अभी जाएगी। हाँ जल्द से जल्द अब देखते हैं कब तक आती है, बाकी तो ठीक है। पूजा बाय बाय तो मैं यहाँ नाश्ता लेकर आ गई हूँ, अब मैं जल्द से जल्द करती हूँ, यहाँ पराठा और भुजिया है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में चाय और ब्रेड खा चुकी हूँ लेकिन अभी 10 बज गए हैं तो मैं जल्दी से जल्दी खाकर उसके बाद मैं आप लोग से बात करूँगी कुछ, तब तक आप लोग देखिए और बने रहिए। तो गाइज बहुत बार कमेंट आ रहा था कि ये आपके हस्बैंड बार बार ससुराली आते हैं रह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे यहाँ भैया का शादी था, तो उसमें हम लोग दो को मेरे भैया का तिलक था, तो यहाँ से पटना से हम लोग एक को रात में निकले थे क्योंकि यहाँ पटना हुआ थे उनको कुछ काम था,
तो बाकी मेरे फैमिली में सब लोग चले गए थे, बस हम अंजू और फिर मेरे हस्बैंड बच गए थे। तो हम लोग एक को गए तिलक के लिए, दो को तिलक था, तो एक को रात में हम लोग पहुँचे। तो फिर वहाँ पे मेरी मतलब कि सब लोग फैमिली लोग सब लोग बोल दिए कि नहीं इतनी रात को आपको नहीं जाना है, कल तिलक है तो कल अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद आप निकल जाइएगा। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, अब मैं भी बहुत परेशान हो गई और फिर मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को लेकर ऐसे लोग बोल रहे कि ससुराली में जाकर रह रहे। तो गाइज प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, वो नहीं उनको कोई शौक नहीं है यहाँ ससुराल, वो तो खुद नहीं रुक रहे थे लेकिन मेरे फैमिली की वजह से वो रुकना पड़ जा रहा था उनको। बाकी आप लोग खुद सोचिए ना, वो आए घर पे और वो रात को ही निकल रहे थे, तो रात में जाना हम लोग एक तो 11 बजे रात को पहुंचे, ऊपर से उसके नेक्स्ट डे होकर तिलक ही था, तो वो मतलब कि रुक गए तो क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप लोग तो एकदम क्या बोले, तो वो दो को तिलक अटेंड किए, फिर तीन को वो वापस चले गए, दो को मेरे घर पे यहाँ आए थे और फिर वहाँ से फिर वो सिवान के लिए निकल गए थे, फिर वो शाम में तिलक के लिए आए थे। तो आप लोग उसी में कमेंट करने लगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तिलक अटेंड करने के बाद वो चले गए, क्योंकि मेरे गांव से मेरा ससुराल ज़्यादा दूर पे है नहीं, मतलब कुछ ही किलोमीटर दूर पे है, तो वो चले जा रहे थे। बाकी जब जब फंक्शन हो रहा था तो वापस आ रहे थे। तो उसके बाद वो आए कितने को, पाँच को, क्योंकि पाँच को हल्दी और मटकोर था, तो वो अटेंड करने के लिए वो दोपहर में आए दो तीन। तो मैं बात कर रही थी पाँच को मेरे यहाँ हल्दी और मटकोर था, तो हल्दी मटकोर में तो आना ही था उनको, वो पाँच को कितने बजे, जैसे 2 या 3 बजे के आसपास वो आए, क्योंकि उसी दिन फंक्शन ही था तो उनको आना बनता है, नहीं आते तो फिर घर में सब लोग गुस्सा हो जाते। तो आए और फिर हम लोग उस दिन अटेंड किया, बाकी तो 6 को बारात था। तो आ रहे थे जा रहे थे, तो जिसके कारण सब लोगों को लग रहा होगा कि बार्बर ससुराली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मतलब कि मेरे घर से ज़्यादा दूर पे वो नहीं था मेरा ससुराल, तो वहाँ उनको वहाँ भी काम था, यहाँ भी काम था, यहाँ भी अटेंड करना था, वहाँ भी देखना था, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था, तो जिसके कारण सब लोगों को लगने लगा कि बार बार आ रहे जा रहे। तो खैर कोई बात नहीं है, कमेंट से क्या, मुझे कमेंट से नहीं उतना फ़र्क पड़। तो बाकी 6 को था सीढ़ी पुजाई, और फिर उस दिन भी जो फंक्शन होता है, जो लोग यूपी से होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन और उसी दिन ज़्यादा बारात भी उसी दिन था, तो फिर वो 6 को अटेंड किए। अब बाकी 7 को कुछ होता हमारे यहाँ, जो कि जब भी न्यू दुल्हन आ जाती है, क्योंकि 7 को ही भाभी आई थी, तो 7 को फंक्शन था, फिर वो 8 को निकल गए थे। तो वहाँ कुछ दिन रुके, मतलब कि ज़्यादा दिन देर तक नहीं रुके, वो तो 7 को ही निकल रहे थे, लेकिन सब लोग मना कर दिए कि नहीं आज नहीं जाना है, सब लोग थे। और ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड ही सिर्फ नहीं रुके थे, मेरे जीजू लोग भी थे, वो लोग भी रुके थे, वो लोग भी थे, हम लोग के साथ थे। बाकी वो लोग तो और मतलब कि 1 तारीख से लेकर वो लोग रुके थे, मतलब कि 5-6 दिन तक वो लोग रुके थे, और मेरे हस्बैंड भी रुके थे, लेकिन ये चले भी जा रहे थे, आ रहे थे, बस ओकेजन पे आ रहे थे और फिर चले जा रहे थे। तो जिसमें सब लोगों को अब क्या बोले, कोई बात नहीं है। और बाकी रहा, मैं अपने मामा के यहाँ गए थे, तो वहाँ भी तो मैं बात कर रही थी पाँच को मेरे यहाँ हल्दी और मटकोर था, तो हल्दी मटकोर में तो आना ही था उनको, वो 5 को कितने बजे, जैसे 2 या 3 बजे के आसपास वो आए, क्योंकि उसी दिन फंक्शन ही था, तो उनको आना बनता है, नहीं आते तो फिर घर में सब लोग गुस्सा हो जाते। तो आए और फिर हम लोग उस दिन अटेंड किया, बाकी तो 6 को बारात था। तो आ रहे थे जा रहे थे, तो जिसके कारण सब लोगों को लग रहा होगा कि बार्बर ससुराली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मतलब कि मेरे घर से ज़्यादा दूर पे वो नहीं था मेरा ससुराल, तो वहाँ उनको वहाँ भी काम था, यहाँ भी काम था, यहाँ भी अटेंड करना था, वहाँ भी देखना था, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था, तो जिसके कारण सब लोगों को लगने लगा कि बार बार आ रहे जा रहे। तो खैर, तो मैं बता दूँ, वो मेरे हस्बैंड आए मामा के यहाँ, मेरे 3 नाना नानी हैं, तो उन लोग यहाँ मेरे यहाँ रुके, बाकी 2 नाना नानी और थे, तो अगर उनके यहाँ नहीं जाते तो उनको बुरा लगता, तो इसीलिए सबके घर पे जा कर 2-2, 5-5 मिनट रुके, नाश्ता पानी किए। बाकी मेरी मौसी, दोनों मौसी थी, वो लोग भी आई थी मुझसे मिलने, क्योंकि शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम मामा के यहाँ गई थी, तो मेरी मौसी पर्सनली मेरे से मिलने के लिए आई थी, और वो मुंबई रहती है तो फ़िलहाल गांव में भी कुछ दिन के लिए आई थी, तो मुझसे मिली। फिर उसके बाद हम लोग अपना मामा के यहाँ सब लोग बात वगैरह किए, और फिर अगर नहीं जाते मेरे हस्बैंड किसी के, तो सबको बुरा भी लगता कि नहीं उनके यहाँ गए, मेरे यहाँ नहीं आए, मौसी लोग थी, सब लोग थी। तो बस वो रुके थोड़ा देर ही सही, लेकिन रुके थोड़ा देर, उसके बाद वो
नाश्ता करने के बाद वो 10 बजे रात को निकल गए और मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग को निकलना था पटना के लिए। तो मेरी मम्मी भी बोली, सब लोग बोले कि मॉर्निंग में ये लोग निकलेंगे तो साथ में आप भी चले जाइएगा, क्योंकि जब हम लोग पटना आते हैं ना तो रास्ते में सिवान होते हुए आते हैं। तो बोले लोग कि नहीं, चले जाइएगा सुबह में, कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को। लेकिन वो नहीं रुके, अगर उनको इतना जुड़ू का गुलाम बनना ही रहता तो मेरे लिए रुकते, वो उतनी रात को नहीं निकलते, लेकिन वो चले गए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो खुद नहीं रुक रहे थे, बस ओकेजन पड़ रहा था तो वो जा रहे थे, बाकी वो वापस चले आ रहे थे। मात्र एक दिन वो रुके होंगे, 1 से 2 दिन, बाकी वो नहीं रुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वैसे जोड़ू का गुलाम बन रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं, अगर वो मानते हैं, अगर वो रुक भी जा रहे हैं, तो ऐसे वर्ड मत यूज़ कीजिए ताकि जिसे तकलीफ हो। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन खैर सभी लोग को तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी कल कमेंट पढ़ी, देखी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। सोची जब मैं पढ़ी तो मुझे इतना ख़राब लगा, तो मेरे हस्बैंड को कैसा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, वो अगर इतना रहता तो वो मेरे साथ पटना भी आगे रहते, लेकिन नहीं आए वो। तो आप रहने दे रहे हैं यहीं तक, और आप लोग देखिए, और प्लीज़ तब तक के लिए बने रहिए, और प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए ताकि दूसरे को अच्छा ना लगे। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय, लव यू ऑल, और खूब ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए, और जितना जितना हो सके मुझसे शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और मेरा इंस्टा आईडी है प्रिंस की रंजना, उसको आप लोग फॉलो कीजिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल। मेट्रो यहाँ इससे अटैच ही है, मेट्रो यहाँ से अटैच ही है, वही वहाँ मेट्रो का अंदर अंदर से मेट्रो से आप जा सकते हैं। ट्रेन से उतर के यहाँ तक हम पैदल आए थे, मेट्रो सिवान तक कर होता था। मेट्रो सिवान कितना लंबा रूट मिले, सब जगह सिवान होता ही नहीं, सब जगह मेट्रो सिवान पटना बोलो। अरे पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसी को हाजीपुर से जोड़ के ना, पहले आज वाले टाइम में सब जगह मेट्रो ही हो जाए। ट्रैफिक हो रहा है कि सब जगह जमीन खोद खोद उतार के चाबी दे रहा हूँ, लगा लो जहाँ लगाना है।